कौन सा डिपार्टमेंट बोरिंग है, कौन सा चले? मुझे तो अपना डिपार्टमेंट ही बोरिंग लगता है और मैं आईआर से ताल्लुक रखती हूँ, इसलिए आईआर इज वेरी बोरिंग। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। बोरिंग सब्जेक्ट। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट बोरिंग है सोशल साइंसेज का, क्योंकि बाकी फैशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और मीडिया साइंसेज है वो तो ऑब्वियसली लाइक नो डाउट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेलकम बैक टू एबी बिग शॉट, और आज हम बहुत एंटरटेनिंग क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए, कौन से क्वेश्चन है आपको दिखा? पूछा मैंने कुछ? मेरे ख्याल में इंसान पे डिपेंड करता है, अगर इंसान खुद जो है वो चिल हो और शुरली हो तो कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पे इंसान शुगर लगा लेता है। लेकिन मैं ये चिल जो है वो ज़्यादा मैं मीडिया का कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, इस तरह की प्रैक्टिकल काम बहुत ज़्यादा होता है, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं। और जो बोरिंग मुझे लगता है यार, मेरे ख्याल में बोरिंग जो है वो आईआर ही है, आईआर बोरिंग है, या सारे उसमें क्लास में चले जाओ, हाँ ना, वो सारे थ्योरीज भी हैं और सारे क्लास में चले जाओ तो लगता है सारे उसे फिलासफर बैठे हुए, चाचे बैठे हुए हैं सारे, तो यार कसम से दिमाग किधर ही हो जाती है, बंदा खारिज ही करता रहता है यार कहाँ घुस गया हूँ। यूनिवर्सिटी के हवाले से एक अच्छी चीज़, एक बुरी चीज़। बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ख़ास तौर पे एक दिन में जो तीन तीन एग्जाम्स होते हैं, पेपर्स होते हैं जी, क्योंकि ये स्टूडेंट की कैपेसिटी से बहुत आगे जाके चली जाती है। ओके, अच्छी बात। और अच्छी ये है कि आई गेस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है, ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पता चलता है कि एक इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो। वन थिंग गुड, वन थिंग बैड। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के टीचर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, लाइक दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। और बुरी चीज़ क्या है? बुरी चीज़ टीएशिप, आई थिंक आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट, सो हाँ मुझे टीएस नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए। सबसे बोरिंग जो है ना बीबीए वाले उसकी सबसे मजे का जो है वो मीडिया वाले, और सबसे बोरिंग जो है ना वो बीबीए वाले। यूनिवर्सिटी में अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो मीडिया की डिग्री है वो बहुत अच्छी है, और काफ़ी यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं फिल्म एंड टीवी के रिलेटेड। मैं फिल्म एंड टीवी का स्टूडेंट हूं और यहां पे हमारी ड्रामेटिक क्लब है और इस तरह की मतलब काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। और जो अच्छी बात नहीं है यूनिवर्सिटी की, यार यूनिवर्सिटी थोड़ी सी छोटी है। मतलब हाँ, एक आप गेट से एंटर होते हो तो सामने वाली दीवार आपके मुँह पर आके लगती है, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, ख़त्म। या फिर आपको छींक भी आ जाए ना तो आप छींकते हो तो सर आपका दीवार के साथ जाके लगता है। रोज़ वही शक्लें देखनी पड़ती हैं, 10 दफ़ा एक बंदे से दिन में मुलाकात हो जाती है और उनको फिर लगता है हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा ही है, हाँ, स्पेशली लड़कियों को। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुनिया का सबसे ज्यादा बोरिंग डिपार्टमेंट है और मेरा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, हाँ जी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मेरा डिपार्टमेंट है और दुनिया का सबसे ज्यादा बोरिंग है। और सबसे ज्यादा मुझे चिल जो लगता है डिपार्टमेंट, वो दो नाम ले सकते हैं। एक तो मीडिया साइंस का डिपार्टमेंट बहुत मजे का चिल, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी उसी के हैं, और एक फैशन डिजाइनिंग वाला। हाँ, फार्मेसी का डिपार्टमेंट वैसे तो बहुत अच्छा है, मगर इसके कोई इवेंट नहीं होते या तो हमें यहाँ पे कुछ समझा नहीं जाता, पहली बात तो ये है, हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और सबसे जो चिल है वो तो मुझे फैशन डिपार्टमेंट लगता है। इंग्लिश और आईआर वाले थोड़े से बोरिंग होंगे। ओके, और चिल? चिल मीडिया वाले चिल है, फैशन वाले नखरेबाज है, उनको बहुत अच्छा है। हाँ, मीडिया वाला बोल सकता हूँ, मीडिया वाला काफ़ी है। हाँ जी, माहौल प्यारा है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। कभी कभी कोई लोग अप्रोच करते हैं हमें इंटरव्यूज़ के लिए, हमें बहुत तंग करता है, ये बुरा चीज़ है। ओ नहीं, बुरी चीज़ ये कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, और अच्छी चीज़ ये कि मतलब लोग इधर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। ओके, आपको क्या लगता है? अटेंडेंस का इशू है। अच्छी बात, बस लोग अच्छे हैं, लोग अच्छे। जो हमारे डिपार्टमेंट है ना आईआर, वो बहुत बोरिंग है, और जो चिल डिपार्टमेंट है वो मीडिया है, वो मीडिया है। ओके, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से भी आईआर बोरिंग है, और चिल फैशन और मीडिया। सीएस वाले ज्यादा बोरिंग है। अच्छा, और बीबीए वाले चिल है। बीबीए वाले चिल है, ये तो दोनों कजन लगते हैं, अपने डिपार्टमेंट को बचा रहे हैं भाई। ये जो बोरिंग है, जो कटिंग वटिंग करते हैं ना दर्जियों की तरह, मतलब ये तो आप घर में भी कर सकते हो। मुझे फैशन वाले, हाँ, मुझे पर्सनली ये लोग बोरिंग लगते हैं। बोरिंग लगते हैं। और जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लाइक कोडिंग है, मतलब एक गेम की तरह, मैं खुद अच्छा लगता है सीएस वाले, हाँ, गेम की तरह खेलता हूँ, मतलब अच्छा लगता है।
तो मीडिया की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मतलब वो सारे उनके कोर्सेज कुछ थियोरेटिकल भी होते हैं लेकिन उसमें मतलब इंटरेस्टिंग भी होते हैं। जैसे अब हमारा न्यूज़ टीवी एंड स्टूडियो है तो उसमें हम बुलाएंगे बाहर से किसी बंदे को, ठीक है, फिर उससे हम इंटरव्यू लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मूवी शूट करना हो, हाँ जी वही, फिल्में बनानी, हाँ जी बिल्कुल। तो मीडिया वाले एंटरटेनिंग है और आईआर वाले बोरिंग है। हाँ जी बिल्कुल। ओके, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा बोरिंग है? पर्सनली मुझे लगता है बीबीए। इसके अंदर डिजिट्स आते हैं, लाइक 1 2 3 4, जो मैथ्स वाले होते हैं, बीबीए वाले होते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, क्योंकि उनको एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता, ना उनके एनालाइजिंग पावर्स होते हैं, ना इनको पूछा जाता है कि चलो आप किसी इशू के ऊपर बातचीत करें, और वो ज्यादा मतलब सोसाइटी से अलग थलग रहते हैं, तो वो बोरिंग। ये गड़बड़े बाबा। यूनिवर्सिटी का कैफे का खाना बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है, क्यों? आज में टेस्ट नहीं है, ऊपर से स्पाइसी इतनी मिर्चें डाली उन्होंने, तो अल्लाह माफ करे खाने के काबिल। ये जो फुटबॉल ग्राउंड है जो पीछे बनाया, ये स्पोर्ट्स के लिए हवाले से एक अच्छा बनाया। मैं तो मीडिया और फैशन का कहूँगा क्योंकि मैं खुद मीडिया का हूँ और फैशन डिपार्टमेंट, ये दोनों चिल डिपार्टमेंट है। बाकी का तो खुआरी है, थ्योरीज पढ़ 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 के बच्चों की आधी। कौन से ज्यादा बोरिंग है? बीबीए। अगर मैं अच्छी बात की बात करूं तो ये है कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है, लाइक एज अ म्यूजिशियन मुझे यहाँ पर आके काफ़ी प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिला। बाकी यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छी है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी, ठरकियों के लिए एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इसे मैं कह सकता हूँ। ठरकियों के लिए इसलिए अच्छी है कि यहाँ पर पिंडी की ज़्यादा आवाम आई होती है, आपने नोट किया होगा, और राज्य के ठरकी होते हैं और बस ये उनकी हवस वगैरह पूरी करने के लिए वो इधर आते हैं और वहाँ यहाँ पर आते हैं, इंजॉय करते हैं, जो कि एक अनएथिकल है, गलत चीज़। गजब बेइज्जती है। सबसे ज़्यादा चिल डिपार्टमेंट जो मैंने देखा ना वो मीडिया का डिपार्टमेंट है, ये सबसे ज़्यादा चिल है। आप लाइक मीडिया के ही हैं आई थिंक, और आप इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट हैं और आप आगे सबमिट करते हैं, ठीक है। और सबसे बोरिंग डिपार्टमेंट और जिसे कह रहे हैं कि ख़तरनाक डिपार्टमेंट सीएस है और बीबीए। अच्छी बात यह है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है ना इसमें वो बैचेस वाला सिस्टम नहीं है, डिफरेंट सेमेस्टर के लोग इकट्ठी क्लासों में पढ़ लेते हैं, तो मतलब इससे ना आपके रिलेशन हर किसी के साथ है, मेरी आईआर वाले भी दोस्त हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट भी दोस्त हैं, तो इसमें ये अच्छी चीज़ है। और बुरी चीज़ जो है, जो कि सबसे बुरी चीज़ है, यूनिवर्सिटी ये शुरू होते हैं हमारी ख़त्म हो जाती है, लाइफ छोटी है, अब बहुत छोटी है यार, हम क्या किधर के क्या एंजॉयमेंट करें, इधर भी इन्होंने डंडे लगा दिए। वैसे कसम से फैमिली लगती है, हर बंदा आप पहचानते हो। हाँ ये है, अगर आप किसी पे लाइन मार दो ना, किसी लड़की पे बात करो, वो बार बार दिखती है आपको। हाँ। छोटी यूनिवर्सिटी है। और एक लड़के ने मुझे कहा था बड़ा इंटरेस्टिंग बात उसने की कि आप वैसे भी गुम हो ना तो लड़कियों को लगता है ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यही बात मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। यार सबसे ज्यादा चिल जो है ना ये अपना मीडिया का हो गया और ये टेक्सटाइल वालों को, क्योंकि उनका जो फील्ड में काम है ना वही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर, उनकी असाइनमेंट्स वगैरह भी, वीडियो बना लो, डॉक्यूमेंट्री बना लो, जो मजे का काम है, मजे का। और सीएस वालों का तो अल्लाह माफ कराए, उनसे पता नहीं कौन कौन सी सी प्लस प्लस, ये हमें हमारे पता नहीं कौन सी चीजें हैं, ये अपने पास की चीजें ही नहीं है। ओके।